ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है तो है ना ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, कारण इसका कुछ भी नहीं है। इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट। की प्रेग्नेंट तो क्या उसका असर फीटस पर पड़ता है अगर बिल्कुल पड़ प्रेग्नेंट सकता है, लेडी सफरिंग फ्रॉम दिस? बिल्कुल ठीक। जो प्रेगनेंसी में उभर के सामने अगर आए तो अगर आप वॉचफुल हैं, अगर डॉक्टर ये दिमाग में रखे जाए। कुछ मिथ भ्रांतियां भी इससे जुड़ी हुई हैं जब हम बात करते हैं थायराइड की, खासतौर से प्रेगनेंसी की बात करें, क्या कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं? देखिए मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि थायराइड की बीमारी है तो वो प्रेगनेंसी। करें कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड है? थायराइड के सिम्टम अगर हम पहले हाइपोथायरायडिज्म को लें जो कि हाइपरथायरायडिज्म के, हम बात करें क्या है टेस्ट, कितना सिंपल है, क्या है सही प्रोसीजर आपको इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए? जैसा शुरू में ही हमने बताया कि तीन हॉर्मोन T3 T4 आपने कहा कि लेवल्स अप या डाउन होने पर ये बीमारी का पता चलता है। कुछ अक्सर लोग कहते हैं कि बंद गोभी का सेवन, गोभी का सेवन, कैबेज ना खाए, इसका भी एक असर होता है क्या? एक नहीं, भ्रांति है, ये कंसेप्ट पहले था जो आजकल ट्रू नहीं है, कोई असर नहीं। ट्रीटमेंट में अगर आ जाता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, फिर आगे का क्या असर है, कितना लंबा ट्रीटमेंट है, क्या उम्र भर आपको दवा का सेवन करना पड़ेगा? जो हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें थायराइड सेक्रेशन हार्मोन कम कम है, होता है, बहुत बार लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी दवाई बंद करते हैं, जी उसके जी 3-4 दिन बाद टेस्ट कराते हैं वो नॉर्मल आता है और वो सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूं, डॉक्टर ऐसे ही दवाई दे रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट बड़े हॉस्पिटल्स में जैसे इनमास में है या एम्स में है, उसी तरह आर्मी हॉस्पिटल में है, कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, लेकिन छोटे शहरों में वो इतना आसानी से अवेलेबल नहीं है। एंटीथायराइड ज्यादा बढ़ता लेवल नहीं, ठीक चल रहे हैं का मतलब है कि अगर आपकी आपका रिपोर्ट सही आ रही है, T4 TSH नॉर्मल है और आप दवाई बराबर ले, स्टीप राइज हो गया या नहीं, फॉल हो गया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं होता। होगा। अगर आप दवाई बराबर ले रहे हैं तो यह उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा तो फिर चलते चलते डॉक्टर सेकरी क्या आप टिप्स आप जोड़ना चाहेंगे मैं इसमें? एक तो ये जोड़ना चाहूंगा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, बस लोग ईमानदारी से अपनी दवाई खाएं बिल्कुल और अपने पैसे जो टेस्ट के हैं वो दवाई पे लगाएं, दवा पे लगाएं। और डॉक्टर राजेश आप कुछ संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर रेगुलरली, जी हाँ, दवा को ना छोड़े। मेरा हाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेकरी, डॉक्टर राजेश आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अहम जानकारी निकली, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो बस इन्हीं बातों का रखें ध्यान, दवा का हम सेवन कर लेते हैं चाहे वो आम गोली हो, थायराइड की गोली या फिर एंटीबायोटिक्स हो। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स का असर हमारे शरीर पर, कब एंटीबायोटिक ले कब ना ले, कितनी जरूरी है ये दवा, इसी पर हाल ही में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक स्पेशल से हम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप, आपका परिवार, समाज, पूरा देश रह सके स्वस्थ। आज के अंक में इतना ही, को इजाजत, नमस्कार।